नमस्कार, मनु दिल से क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हुमायूं। ठीक है, मुगल काल में क्या पढ़ा बता दिया मैंने, बाबर बता दिया था। बाबर के बेटे थे चार। चार कौन कौन से बेटे थे? एक तो हुमायूं था, एक कामरान था, एक अस्करी था, एक हिंदाल था। तो हमें कौन सा पढ़ना है? हुमायूं के बारे में पढ़ना है। हुमायूं कहाँ पे बैठा था? दिल्ली और आगरा पे बैठा था। ठीक है, जो उसका छोटा बेटा बेटा था ना बाबर का, कामरान, काबुल और कंधार पे वो गद्दी पे बैठा था। और अस्करी था, उसने संभल प्रदेश, और हिंदाल ने क्या दिया था? मेवात, मेवात प्रदेश मिल गया था हिंदाल को। ये हुमायूं के क्या थे? तीन भाई और थे हुमायूं के, सही, चार बेटे थे बाबर के। तो अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। उन चारों से, तीनों से क्वेश्चन नहीं आते, हुमायूं से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बेटा था अपने भारत में, ये आया था दिल्ली से, दिल्ली और आगरा पे ये बैठा था हुमायूं, इसलिए हम हुमायूं को पढ़ते हैं, ऋषि में से क्वेश्चन आते हैं। तो बाबा हुमायूं के जो पिता के नाम है उनका क्या नाम है? बाबर। माता का नाम क्या था? माहिम बेगम। ठीक है, अब 6 मार्च 1508 ईस्वी में क्या होता है? हुमायूं का जन्म होता है। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, कभी कभी पूरा कंप्लीट नाम पूछ लेते हैं, हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब देखो, इसने चार भागों में डिवाइडेशन हो गया, तो ये देखो युद्ध करेगा। 1532 ईस्वी में इसने क्या क्या किया? 1532 ईस्वी में हुमायूं ने क्या किया था? चुनार, चुनार जो कहाँ पे है? बिहार में है, वहाँ पे आक्रमण किया था। इसमें एक नाम था, शासक था शेर खां। ठीक है, वहाँ का बिहार का शासक कौन था? शेर खां। उसको क्या करता है हुमायूं? ये हुमायूं इतना शक्तिशाली था कि ये ना हार जाता है, और इसकी अधीनता क्या कर लेता? स्वीकार कर लेता कि मुझे तो पहले लड़ाई से पहले अधीनता स्वीकार कर लेता, लड़ता नहीं है हुमायूं इसे। ठीक है, हुमायूं इस पे चढ़ाई करने के लिए जैसे जाता तो शेर खां समझ जाता है कि ये थोड़ा स्ट्रांग है, तो ये इसकी अधीनता ही स्वीकार कर लेता है। 1532 ईस्वी में सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी शेर खां ने, बिहार का जो शासक था शेर खां उस टाइम पे। तो अब नेक्स्ट आता है 1532 में। 1532 में क्या करेगा ये जो हुमायूं, ये गुजरात पे आक्रमण करता है। वहाँ का जो सुल्तान था वो कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह को हरा देता है, बहुत लंबा युद्ध चलता है इसमें। अभी इसी दौरान देखो 1535 की बात चल रही है, तो उसमें क्या हुआ था? एक साका हुआ था ना इंडिया में, मेवाड़ में। तो 1535 में ये क्या करता है हुमायूं, हुमायूं के पास रानी कर्मावती थी, वो क्या वो भेजती है सहयोग के लिए, राखी भेजती है। लेकिन हुमायूं क्या करता है, ये गुजरात में बहादुर शाह को हराने में लगा रहता है, तो ये इस पर ध्यान नहीं देता, और मेवाड़, मेवाड़ में क्या हो जाता है? साका हो जाता है। तो ये बोला जाता है कि अगर हुमायूं इसकी सहायता करता रानी कर्मावती की, तो क्या होता, मेवाड़ में क्या होता? साका नहीं होता। ये इसी टाइम 1535 की बात है। तो हुमायूं क्या करता है, बहादुर शाह को हरा देता है, और इसमें खुद गुजरात की गद्दी पे बैठ जाता, मतलब गुजरात इसके हुमायूं के अधीन हो जाता है। फिर 1538 की बात है। 1538 में क्या हुआ? 1532 के में पहले जाओ, 1532 में पहले क्या हुआ था? हुमायूं ने क्या किया था? चुनार पर आक्रमण किया था, और लेकिन शेर खान ने क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन ये बाबर क्या करता है 1538 में, वापिस इस शेर खान पर अधिकार कर लेता है युद्ध करके। ठीक है, क्यों करता है? क्योंकि शेर खान कुछ संधियाँ, कुछ बातें होती है जो शेर खान इसकी नहीं मानता, बार बार में उल्लंघन करता है, तो ये सोचता है कि मैं इसको जीत ही लूँ, इस पर आक्रमण कर देता है, शेर खान की बात नहीं मानता इसलिए। तो चुनार पर 1538 में दोबारा आक्रमण करता है, और ये इसको अपने पूर्ण अधिकार अपने क्षेत्र में ले लेता है। अब इसमें 1538 के बाद में जो हुमायूं है उसका क्या होगा? 1538 आ गई तो 40 में क्या हो गया? वापस चला जाता है ये आगरा की तरफ। देखो एक युद्ध होता है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, मैं युद्ध के टाइम बताऊंगी इसमें। तो 17 मई 1540 को होता है ये, किस किस के मध्य होता है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। और ये क्या होता है इसका, हुमायूं इसमें बहुत बुरी तरह से हार जाता है। पहले तो ये हारता हुआ था चौसा का युद्ध, चौसा के युद्ध के बाद में ये आगरा भाग जाता है। तो आगरा से वापस ये जो शेरशाह सूरी है इसको मारने के लिए आ जाता है पीछे पीछे। तब ये युद्ध करते हैं कन्नौज में, वहाँ मिलते हैं वापस इनकी सेना, तो ये शेरशाह सूरी वापस इसको हरा देता है, तो ये इंडिया छोड़ के भाग जाता है उधर अफगान की तरफ। ठीक है, तो ये है निर्वासन काल। निर्वासन काल किसका है? हुमायूं का निर्वासन काल है। 1530 से लेके 1540 के मध्य तो ये इंडिया की गद्दी पे दिल्ली पे बैठा रहा, लेकिन बाद में 1540 से लेके 1555 तक ये निर्वासन काल माना जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि हुमायूं का निर्वासन काल कितने साल का था? 1540 से लेके 1555, यानी 15 साल तक रहा था ये इंडिया से बाहर। ठीक है, फिर वापस आता है अपने भाइयों के और ईरान के शासक की मदद से। अब देखो ये जब निर्वासन काल 1538 के बाद में 1540 में क्या करता है, ये जब युद्ध होता है कन्नौज का, ठीक है, बेलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं इसको, कन्नौज का युद्ध होता है, तो युद्ध के टाइम क्या करता है ये आगरा के आसपास रहता है, तो मारवाड़ के शासक थे राजा मालदेव, उनसे क्या मांगता है? सहायता मांगता है कि आप मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। लेकिन ये मालदेव का जो शासक मारवाड़ है ना, ये मना कर देता है, क्योंकि ये पहले स्थिति को भांप जाता है कि जो हुमायूं है वो तो अब जाने वाला है, शेरशाह सूरी का पूरा है, तो शेरशाह सूरी से मैं क्या क्यों दुश्मनी लूँ, इसलिए अब इसका सहयोग नहीं करता है। तो अब ये अकेला पड़ गया हुमायूं, तो हुमायूं के पास एक ही ऑप्शन बचता है, कि ये भाग जाता है यहाँ से और अफगान की तरफ चला जाता है। ठीक है, फारस चला जाता है ये।
तो निर्वासन काल के दौरान ये कहाँ रहा, फारस में रहा था। उसी टाइम क्या क्या किया, 1540 में गया था। एक साल बाद में ये शादी करता है उम्मीदा बानो बेगम से, ठीक है। 1541 में उम्मीदा बानो बेगम से शादी कर ली। वो देखो ये किसकी पुत्री थी, गुरु अली बाबा उर्फ मीर अली। क्वेश्चन आया हुआ है गुरु अली बाबा जो हमीदा बेगम थी या बानो बेगम थी वो किसकी पुत्री थी, अली बाबा उर्फ मीर अली की। इसी के प्रभाव में आकर इसने क्या बोलते हैं कि सिया सिया मत स्वीकार कर लिया था, यानी सिया सिया जो सिर सिया और सूर दो थे ना, तो सिया मत स्वीकार कर लेता ये हुमायूं, ठीक है। 1556 में क्या करता है, दीनपना भवन की पुस्तकालय की शेड्यूल से क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, जो इसी के द्वारा बनाया गया था दीनपना भवन, ठीक है। एक पुस्तकालय है उसकी शेड्यूल से गिर के, ये सीढ़िया चढ़ रहा था इस टाइम में, उतर रहा था उस टाइम में, क्या करता है लुढ़काता हुआ इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। ओके, 1541 में शादी होती है, 1556 में मृत्यु हो जाती है। उसके दौरान इनके एक वीर पुत्र पैदा होते हैं अकबर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी देखो इतिहासकार, एक वेरी इंपॉर्टेंट है इतिहासकार है लेन पुल, इसका नाम है याद रखना लेन पुल। लेन पुल क्या बोलता है, देखो लेन है लेन है, लेन तो लेन है, पुल है नहीं पुल है, लेन पुल, पुल से गिर गया, यानी कि क्या बोलेगा हुमायूं के बारे में, सीढ़ियों से गिर के कौन मरा था, हुमायूं तो मरा था, तो लेन पुल इसको ऐसे याद रख लेना। वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये किसने कहा है, लेन पुल ने। पुल के ऊपर चढ़ते हैं तो हम गिरेंगे तो मृत्यु होगी, वैसे ही लेन पुल को ऐसे याद कर लेना। वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, ये वर्ड दे के पूछा जाता है कि ये किसने कहा, तो किसने कहा लेन पुल ने। अब्दुल फजल क्या बोलते हैं हुमायूं के बारे में, कि इंसान एक कामिल था, ये इंसान एक कामिल, पहला मुस्लिम बादशाह जिसने ज्योतिष में क्या विश्वास दिखाया था, ठीक है, ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं, ये पहला मुस्लिम बादशाह था। निर्माण कार्य देखो अब हुमायूं के, हुमायूं ने क्या किया था दिल्ली में, तबल ए अदल, दिल्ली में क्या किया था, तबल ए अदल यानी न्याय का ढोल था, उसका निर्माण करवाया था। तो न्याय का ढोल का निर्माण किसने करवाया था, हुमायूं ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, जिसका निर्माण करवाया था हाजी बेगम, इसकी वाइफ है हाजी बेगम, इसने करवाया था। तो इसको क्या बोलते हैं, ताजमहल का पुरोगामी भी बोलते हैं। तो ताज क्वेश्चन आ जाए, ताजमहल का पुरोगामी किसे बोलते हैं, तो वह क्या है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अब हुमायूं के देखो प्रमुख युद्ध, हुमायूं के प्रमुख युद्ध, पहला एक तो चौसा का युद्ध है, दूसरा कन्नौज का युद्ध है। पहला युद्ध चौसा का युद्ध जो कब हुआ था, 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, बिहार में लड़ा गया था ये 26 जून 1539, ठीक है, 40 से 1 अम। इसके बाद में एक साल एक और लड़ेगा ये, फिर बाद में तो ये इसका निष्कासन नहीं हो जाएगा, ये निर्वासन काल चलेगा, तो देख ली याद कर लेना ऐसे। 40 में गया था तो 39 में लड़ेगा ये चौसा का युद्ध, लड़ेगा, थोड़ी कंडीशन खराब होगी तभी तो भागेगा यहाँ से, वरना तो यहीं बैठा था आराम से। 1539 में क्या बिहार में ये युद्ध होता है हुमायूं और शेर खां के मध्य, शेर खां के मध्य, शेर खां इतना स्ट्रांग था कि हुमायूं हार जाता है और ये वहां से भाग जाता है। और शेर खां क्या करता है उस टाइम में, ये उपाधि धारण करता है शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है, शेरशाह सूरी, शेर खां था वो किसकी उपाधि धारण करता है, शेरशाह सूरी की। अभी हम इसको किस किस नाम से जानते हैं, शेरशाह सूरी के नाम से, कहीं पे भी कुछ भी आएगा तो शेरशाह सूरी नाम आएगा, ये इतना फेमस हो गया था। इसी युद्ध के बाद में, चौसा के युद्ध के बाद में इसको उपाधि मिली थी शेर खां को, शेरशाह सूरी की, ठीक है। ये हुमायूं ये भाग गया था, कहाँ भागा था, देखो निजा एक नाम का एक ये व्यक्ति है, निजाम रुका चिश्ती एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, अपने इसको नदी पार करवाई थी, कर्मनासा नदी थी उसकी सहायता, ये इसी की सहायता से भागा था हुमायूं, और इसी ने क्या करवाई थी, नदी पार करवाई थी, उसको बाहर भेज दिया था निजाम रुक्का। अब देखो ये हुमायूं है, ये निजाम रुक्का ने इसकी इतनी मदद की है, तो ये क्या करेगा, हुमायूं क्या देगा इसको, एक दिन के लिए मुगल सम्राट का बादशाह बना देता है। तो ये अब निजाम रुक्का चिश्ती है, ये क्या करेगा, एक दिन की चमड़े के सिक्के चलाता है, तो एक दिन का मुगल सम्राट कौन है, निजाम रुक्का चिश्ती, ठीक है, याद रखना हुमायूं ने बनाया था इसको, और एक दिन के लिए क्या करता है ये फिर क्या करता है, चमड़े के सिक्के चलाने वाला राजा कौन था, निजाम रुक्का चिश्ती। देखो कितनी मदद करने से कितना फायदा होता है, हर दिन हर पल अगर आपको मदद का मौका मिले तो मदद करना चाहिए शेर। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब देखो नेक्स्ट आता है कन्नौज का, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है 17 मई 1540 ईस्वी में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में, 39 में हुआ, फिर ये 40 में लड़ेगा। चौसा का युद्ध 1539 में, फिर आता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 15 मई 1540 ईस्वी में, किसके साथ बीच में लड़ेगा, वही लड़ेगा शेरशाह सूरी, वापस आ रहा है ये, भागता हुआ यहाँ तक आ गया था, आगरा में छिप गया था फिर ये हुमायूं। अब आगरा में छिप गया तो ये क्या पीछे छोड़ना थोड़ेगा शेर खां, शेर खां शेर शाह सूरी भी क्या हो रहा था, इसके पीछे पीछे आ रहा था, तो यहाँ पे ही मिलते हैं ये, आगरा से चलता है अपनी सेना लेके, इसको पता लग गया शेर शाह को कि वो तो सॉरी हुमायूं को कि शेर शाह सूरी आ रहा है, तो अपने बचाव में अपने जितने भी बच्चे सैनिक थे उनको लेके ये इधर आ जाता है बेलग्राम में, और वो इधर से आ जाता है बेलग्राम में, दोनों भिड़ते हैं यहाँ पे बेलग्राम में, दोनों के मध्य युद्ध युद्ध होता है, और ये क्या करेगा, शेर शाह सूरी बिल्कुल हार जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी जीत जाए, शेर शाह सूरी जीतेगा और हुमायूं हार गया था, ठीक है। अब ये यहाँ से भी हार गया, तो
तो इसकी सेना भी पूरी खत्म हो गई, तो ये क्या चलेगा, चला जाएगा फारस, चला जाएगा भाग्य। ठीक है, अब और इसी युद्ध के बाद में क्या माना जाता है कि दिल्ली में क्या हुआ, शेरशाह सूरी का आधिपत्य कायम हो गया, क्योंकि कोई नहीं, हुमायूं तो इंडिया ही छोड़ के चला गया, तो अब ये शेरशाह सूरी अकेले बचेगा। तो दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने दूसरा अफगान राज्य कायम किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी को दूसरा अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को। अब देखो हुमायूं है वो चला तो गया फारस, लेकिन उसको तो ये था कि मैं वापस मेरी गद्दी प्राप्त करूं, तो कैसे कैसे करेगा, देखो ये किस किस को मिलाएगा, कहाँ कहाँ से करेगा और वापस अपनी गद्दी स्थापित कर लेगा। हम पढ़ते हैं ना 1555 से 1556 के मध्य वापस इंडिया पे राज करता है, दिल्ली में सल्तनत में आ गई। तो देखो हुमायूं है, हुमायूं एक ईरान का शासक था, उसके साथ दोस्ती बढ़ाता है और सहाता हमसप नाम है इसका, देखो कैसा नाम है, सहाता हमसप। ठीक है, सहाता हमसप ईरान का शासक था, उसके साथ में क्या करता है ये 1545 ईस्वी में, ठीक है, गया 41 में 41 में शादी की, 45 में क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा। देखो 1547 में ये क्या करता है, काबुल और कंधार पे क्या कर लेगा, अधिकार कर लेगा हुमायूं। हुमायूं ईरान पे अधिकार, ईरान के शासक के द्वारा काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में देखो 15 मई 1555 में क्या करेगा, ये वापस आने का टाइम पीरियड है इसका, 15 मई 1555 में मछीवाड़ा के युद्ध, देखो क्या नाम है, मछीवाड़ा का युद्ध है पंजाब में करता है, ये अफगानों को पराजित कर लेता है। ठीक है, अफगानों को पराजित करता है मछीवाड़ा के युद्ध में। और इसके नेक्स्ट थोड़े दिनों बाद में, एक महीने बाद मानो, लगभग 22 जून 1555 में सरहिंद बठिंडा में सिकंदर सूरी को क्या कर देता है, ये हरा देता है। ठीक है, अब ये हराए, पहले तो किसने क्या किया 1545 में, ठीक है, अपने जाने के 4 साल बाद 39 में युद्ध हुआ चौसा का, उसके बाद में 1 साल बाद में युद्ध हुआ कन्नौज का। ठीक है, कन्नौज में 1540 में तो ये चला जाता है कहाँ पे, फारस में चला जाता है, फिर फारस में वहाँ जाके उधर भी देखो ये वापस हथियाने की कोशिश करेगा, तो ईरान का शासक ईरान लगता है पास में, तो ईरान को 1545 में ईरान के शासक के साथ युद्ध मिला कि काबुल और कंधार को जीत लेता है। फिर ये आगे बढ़ता है 1555 में अफगानों को ये क्या कर देता है, पराजित कर लेता है। फिर 22 जून 1555 को क्या करता है, सरहिंद बठिंडा है ना, सरकिंद सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी देखो ये कौन है, ये है शेरशाह सूरी का पुत्र है। ठीक है, शेरशाह सूरी के बाद में सिकंदर सूरी गद्दी पे बैठता, तो इसको हरा देता है ये बठिंडा में, सरहिंद में। ठीक है, अब इस पे इस युद्ध के बाद में दिल्ली पे क्या हो गया, हुमायूं का अधिकार हो गया था। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो 22 जून 1555 का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें हुमायूं का साथ दिया था उसके बेटे अकबर ने। ठीक है, अकबर ने यहाँ पे ये दिखा दिया था कि ये बहुत ही अच्छा लड़ाकू है, इसने युद्ध में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, सेनानायक के रूप में काम किया था इसने हुमायूं के साथ ने, अपने पापा के साथ में। 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद बठिंडा का युद्ध है, वो क्या करता है दिल्ली पर वापस गद्दी हथिया देते हैं हुमायूं को, हुमायूं को वापस प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि जो हुमायूं है वो सरहिंद युद्ध करता है, सरहिंद 1555 में बठिंडा से, जो क्या करता है इसको दिल्ली की गद्दी वापस दिला देता है। ठीक है, 1556 तक ये क्या करता है, राज करता है, 1555 से लेके 1556 तक, 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ मृत्यु हो जाती है, दीनपना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के इसकी मृत्यु होगी, इसके मकबरे का निर्माण करवाया, फिर इसकी वाइफ ने हाजी बेगम है इसकी वाइफ का नाम, जो इसका मकबरे का निर्माण करवाई है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, जिसे ताजमहल का पूर्वगामी भी बोला जाता है। ओके, बाकी हम पढ़ेंगे अकबर नेक्स्ट नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को।